हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और पिछले दो दिन मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं अपलोड किया था, तो 18 और 19 जुलाई का करंट अफेयर्स मैंने एक ही वीडियो में बनाकर अपलोड कर दिया है। तो वो वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल पर जाकर वीडियोज़ में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी ने किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो सचिन तेंदुलकर, एलन डोनाल्ड और कैथरीन फिट्जपैट्रिक, इन तीनों को आईसीसी ने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। एलन डोनाल्ड, ये दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं, और कैथरीन फिट्जपैट्रिक, ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। तो आईसीसी ने इन तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। और यहाँ पर बात हुई आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में। आईसीसी के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर, और आईसीसी के सीईओ हैं मनु सानी। और अभी हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2019 का 12वां संस्करण हुआ था। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, जिसको किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर। और आईसीसी विश्व कप 2023 कहां पर होंगे? आईसीसी विश्व कप 2023 होंगे भारत में। अगला प्रश्न, शिक्षा क्षेत्र में वेस्ट इनोवेटिव ब्रांड के रूप में एसोचैम एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड 2019 किसने जीता? तो इसका आंसर ऑप्शन है नीथ लिमिटेड ने। तो शिक्षा क्षेत्र में नीथ लिमिटेड ने वेस्ट इनोवेटिव ब्रांड के रूप में एसोचैम एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड 2019 जीता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, विवेक कुमार को। यह है विवेक कुमार। तो विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार पुस्तक का विमोचन किया गया, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है रचना बिष्ट रावत ने, कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार। तो जो कारगिल युद्ध हुआ था उस पर आधारित यह पुस्तक है, और इसको लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के रूप में भी जाना जाता है। इस युद्ध को ऑपरेशन विजय भी कहा जाता है, और ये युद्ध 60 दिनों तक चला था, और ये 26 जुलाई 1999 को ख़त्म हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। तो इसीलिए भारत 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाता है, कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आईसीसी ने किस देश को आईसीसी द्वारा आयोजित होने वाले खेल आयोजनों में भाग लेने पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन है जिम्बाब्वे पर। तो आईसीसी ने जिम्बाब्वे पर आईसीसी द्वारा आयोजित होने वाले खेल आयोजनों में भाग लेने पर रोक लगा दी है। और ऐसा आईसीसी ने किस लिए किया है? तो आईसीसी का कहना है कि इस देश में क्रिकेट में सरकार हस्तक्षेप कर रही है, तो इसलिए आईसीसी ने जिम्बाब्वे पर रोक लगाई है। और यहाँ पर बात हुई है जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, जिम्बाब्वे की करेंसी है डॉलर, और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं एमरसन मंगांगवा। एमरसन मंगांगवा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में सरबजीत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी जर्मनी में। तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, इसका आयोजन जर्मनी के सुहेल में किया जा रहा है, तो इसमें सरबजीत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। और यहाँ पर बात हुई जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और जर्मनी की करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न, चिप मेकर क्वालकॉम पर किसने $271 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ ने। तो यूरोपीय संघ ने चिप मेकर क्वालकॉम पर $271 मिलियन का जुर्माना लगा दिया है।
और यहाँ पर बात हुई यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, और यूरोपीय संघ का अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उर्सुला वॉन डेर लेयन को, उर्सुला वॉन डेर लेयन को। अगला प्रश्न, किस देश ने रेलवे लाइनों के उन्नयन के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, श्रीलंका ने। तो रेलवे लाइनों के उन्नयन के लिए भारत के साथ श्रीलंका ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है, और यहाँ पर बात हुई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, श्रीलंका की करेंसी है रुपया, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाला सिरीसेना, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रम सिंघे। अगला प्रश्न, हाल ही में बिश्वभूषण हरिचंदन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का। यह है बिश्वभूषण हरिचंदन, तो बिश्वभूषण हरिचंदन को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया, और यहाँ पर बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो मैं थोड़ा सा आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, और ये प्रस्तावित राजधानी है, अभी फिलहाल आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के प्रमुख बांध हैं, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर बांध, और नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और आंध्र प्रदेश में है श्रीसैलम बांध, और ये भी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य हैं कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और कुम्मी, घंटा मर्दाला और बतकर्मा, ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश में जिले हैं 13 जिले, लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 11। और पिछले वीडियो के प्रश्न, पिछले वीडियो में मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था, वार्षिक इंडियन ऑयल स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर था शरथ कमल को, जो कि तमिलनाडु के हैं और टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और दूसरा प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष कितने मिलियन से अधिक लोग भूख से पीड़ित थे? तो इसका सही आंसर था 821 मिलियन लोग, और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, 21वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष के रूप में किससे नामित किया गया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।